हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने गूगल फोटोज में फोटो सेव करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गूगल फोटो में हम फोटो कैसे सेव कर सकते हैं और उसे कैसे सुरक्षित बना सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। So, यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम गूगल फोटोज पे अपना फोटो कैसे सेव कर सकते हैं, उसे कैसे सेव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन पे आ जाइए और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल फोटोज को ओपन कर लेना है। चलिए ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे गैलरी की फोटोज यहाँ पे शो हो गया है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कोई भी फोटो को सेव करने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, कोई भी फोटो पे मैं क्लिक करता हूं तो ये एक फोटो है। अब इसे गूगल फोटोज में सेव करने के लिए, क्योंकि अभी ये हमारे गैलरी में है, अभी ये गूगल फोटोज में अपलोडेड नहीं है, तो अगर ये गैलरी से डिलीट हो जाता है तो इसे हम रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देंगे बैकअप नाउ पे, अभी ये बैकअप होना शुरू हो जाएगा और आपके गूगल पे जो है ये फोटो गूगल अकाउंट पे अपलोड हो जाएगा। और देख सकते हैं ये हमारा जो फोटो है वो बैकअप हो गया है और अब ये अगर गैलरी से डिलीट भी हो जाता है फिर भी ये यहाँ पे रहेगा और इसे हम वापस से गैलरी में ला सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका जितना भी फोटो है उसे आप गूगल में अपलोड कर सकते हैं, गूगल फोटो में। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ फोटो को, जैसे 3-4 फोटो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जो फोटो आपको अपलोड करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सारे के सारे फोटो जो है वो बैकअप होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आपको एक लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके अदर फोटो जैसे डाउनलोड के अदर जो भी होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से भी आप बहुत ही आसानी से बैकअप कर सकते हैं, किसी भी फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वापस से 3 डॉट पे क्लिक करके बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है, ये भी बैकअप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका जो फोटो है, जैसे मेरा जो भी फोटो यहाँ से बैकअप हो गया, वो फोटो अगर डिलीट भी हो जाता है हमारे गैलरी से तो यहाँ पे वो फोटो रहेगा और जब भी चाहे हम यहाँ से वो फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने फोटो को सेव कर सकते हैं और इससे जो है डिलीट होने का जो टेंशन है वो नहीं रहता है हमें। तो इसी तरीके से आप भी गूगल फोटोज में फोटो को सेव कर सकते हैं।